टॉपिक को डिस्कस करने का वाला हूँ बच्चे लोग, ये SD-WAN कोर आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट। इसकी ये वैसे तो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ये इन है, बहुत हर कंपनी जो है SD-WAN पे जाना चाहती है और उसको यूज़ करना चाहती है, और बहुत सारे जगहों पे इसकी फैसिलिटी अवेलेबल हैं, बहुत सारे जगहों पे नहीं भी है इंटरनेट की स्टेबिलिटी ना होने की वजह से। लेकिन इसका हम कोर कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है और इस टेक्नोलॉजी में हमें बेनिफिट क्यों है, और ये मतलब और कॉस्ट इफ़ेक्टिव यानी कि ये बाकी टेक्नोलॉजी के अगर आप MPLS या बाकी उस पर जाएँ तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, उसके मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव या लो कॉस्ट पे हमें कैसे अवेलेबल होती है या किस तरह से होती है, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट कोर समझ लेते हैं कि ये किस तरह से है। सॉफ्टवेयर बेसिकली सॉफ्टवेयर डिफाइन जो वैन है या उसका आर्किटेक्चर है, बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट भी राउटर से लिया गया है। अगर जिनको राउटर की पूरी इन्फॉर्मेशन है या राउटर का कॉन्सेप्ट है कि राउटर किस तरह काम करता है, राउटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, किस तरह से काम करता है, तो वो SD-WAN को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। बेसिकली SD-WAN में दो पार्ट होते हैं, और SD-WAN के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक उसका कंट्रोलर होता है और दूसरा उसका एज होता है। दो पार्ट बेसिकली लाइक, और ये दो पार्ट किस तरह किस मैकेनिज्म पे काम कर रहे होते हैं या किस तरह से काम कर रहे होते हैं, वैसे तो ये तीन इसके होते हैं, लेकिन मेन जो है वो कंट्रोलर और एज होते हैं, और फैब्रिक वो होता है जिसकी इंटर कनेक्टिविटी होती है कंट्रोलर और एज के दरमियान, यानी कि जैसी जो राउटर के अंदर जो जो दोनों पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करती है, यानी कि उसकी इंटरनल कनेक्टिविटी जो होती है वो बेसिकली हम फैब्रिक बोलते हैं उसको, या चेसी बोल सकते हैं आप, या उसकी इंटरनल कनेक्टिविटी बोल सकते हैं, तो वो बेसिकली फैब्रिक होता है। तो वैसे तो ये तीन उस पर राउट होता है, तीन जगहों पे कनेक्ट हो, मतलब तीन पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं या तीन पार्ट्स कह सकते हैं। इसी तरह से अगर हम राउटर को थोड़ा सा देख लेते हैं तो राउटर किस तरह काम कर रहा होता है, राउटर में बेसिकली एक कोई भी राउटर हो जिसमें डेटा प्लान होता है और दूसरा कंट्रोल प्लान होता है। तो डेटा प्लान में क्या होता है कि डेटा प्लान के अंदर आपके पास जो इंटरफेसेस होते हैं, यानी कि गिग का या फास्ट इंटरनेट की जो पोर्ट्स और इंटरफेसेस होते हैं, उनकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो डेटा प्लान के अंदर होती है, और किस इंटरफेस पे क्या IP है और किस तरह का ट्रैफिक वहाँ से इन हो रहा है, कौन सा ट्रैफिक आउट हो रहा है। और जो कंट्रोल प्लान होता है, कंट्रोल प्लान के अंदर पूरी राउटिंग इंफॉर्मेशन होती है कि किस पाथ से कौन सा डेटा फॉरवर्ड होना है, कौन सा पैकेट आना है, कौन सा जाना है, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन राउटिंग इंफॉर्मेशन या राउटिंग टेबल की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी कहाँ होती है, कंट्रोल पैनल के अंदर होती है। कंट्रोल पैनल बेसिकली जो कंट्रोल प्लान जो बेसिकली होता है राउटर का, वो ब्रेन होता है राउटर का, सारा काम वो मतलब कर रहा होता है, सारी पाथ सिलेक्शन कि किस तरह से जाना है, किस डेटा को कहाँ से फॉरवर्ड करना है, वो सारे कंट्रोल प्लान के अंदर मौजूद होती है चीज़ें, पूरी राउटिंग इंफॉर्मेशन या राउटिंग टेबल वहाँ पर होती है। और इसी तरह से अगर हम देखें तो डेटा प्लान जो है वो आपका कंट्रोलर होता है, और डेटा प्लान जो होता है वो बेसिकली आपका एज होता है, और जो कंट्रोल प्लान है वो कंट्रोल सॉफ्टवेयर डिफाइंड कंट्रोलर होता है। अब इसको थोड़ा सा अगर हम अपने SD-WAN में देखते हैं तो SD-WAN में क्या होता है कि SD-WAN के अंदर SD-WAN कंट्रोलर, जिसके अंदर SLA सिक्योरिटी पॉलिसीज और ये सब चीज़ें होती है, और जो फैब्रिक जो तीसरा है वो, क्योंकि फैब्रिक कनेक्टिविटी जो राउटर के अंदर होती थी तो वो तो इंटर कनेक्टिविटी होती है, यानी कि कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन एक ही बॉक्स में काम कर रहे होते हैं। लेकिन SD-WAN के लिए तो आपको एक कनेक्टिविटी यानी कि स्टेबल इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर डिफाइंड कंट्रोलर जो होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, और जो आपके ब्रांच को कनेक्ट कर रहा होता है वो बेसिकली एज का पोर्शन होता है। एज का पोर्शन सिर्फ क्या कर रहा होता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन मतलब आपको इनपुट और आउटपुट दे रहा होता है सिर्फ,
और उसका कोई वो नहीं होता, वो सिर्फ अपने कंट्रोल प्लान की तरफ अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, और जो भी काम कर रहा होता है वो बेसिकली सॉफ्टवेयर डिफाइंड कंट्रोलर कर रहा होता है, जहाँ में SLAs वगैरह होते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसीज होती हैं, जो तमाम कोर का काम होता है, राउटिंग इंफॉर्मेशन का, यानी कि जितना भी ब्रेन का काम होता है या सेंट्रल प्रोसेस का जो काम होता है पूरी प्रोसेसिंग, वो SD-WAN कंट्रोलर कर रहा होता है। और उसके दरमियान जो कनेक्टिविटी होती है वो बेसिकली इंटरनेट की कनेक्टिविटी उसको चाहिए होती है, लेकिन स्टेबल स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए होती है, जो फैब्रिक का काम करता है राउटर के अंदर, जैसे फैब्रिक यानी कि जैसी इंटर कनेक्टिविटी होती है डेटा प्लेन और कंट्रोल प्लेन के अंदर, वही काम यहाँ पे इंटरनेट कर रहा होता है। और एज वो ब्रांच के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है लास्ट माइल के साथ, अगर कोई इंटरनेट आपने किसी से कोई भी डिवाइस जो SD-WAN सपोर्टेड है और वहाँ पे आपने इनेबल कर रखा है SD-WAN, तो वो उसके बाद जब आप इसकी सर्विसेज SD-WAN की सर्विसेज को इनेबल करते हैं, तो उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन आप सिर्फ अपने डिवाइस में सिर्फ उसको इनपुट दे सकते हैं, और जितना भी उसका जितनी भी सिक्योरिटी पॉलिसी या जिस SLA को वो कॉल करेगी या सिक्योरिटी को कॉल करेगी, जो जो भी राउटिंग इंफॉर्मेशन का प्रोसेस हो रहा होगा वो बेसिकली सेंट्रलाइज्ड हो रहा होगा SD-WAN कंट्रोलर के अंदर, जो कि जिस कंपनी का आप ले रहे हैं SD-WAN, तो वहाँ के सेंट्रलाइज जहाँ पर कंट्रोलर्स होंगे वहीं पर ही आपकी सारी प्रोसेस वगैरह हो रही है अपनी चीज़ें। तो ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी। अच्छा, कम कॉस्ट इसकी किस तरह से कम कॉस्ट इसकी इसलिए है कि आपको हर जगह पे राउटर नहीं चाहिए होता, आपको जस्ट एक ऐसी डिवाइस चाहिए जिस तरह CPE होती है या इस तरह की फायरवॉल होती है या इस तरह का लो कॉस्ट छोटा सा राउटर जो सिर्फ इंफॉर्मेशन ले, प्रोसेस ना करे, सिर्फ इंफॉर्मेशन दे कि आपका जो राउट कौन सा ट्रैफिक कहाँ जाना है, राउटिंग की सिर्फ राउटिंग की इनपुट ले और आपको आउटपुट दे दे, और वो क्योंकि पूरा पूरा प्रोसेस जो है वो SD कंट्रोलर में, जो SD-WAN का कंट्रोलर होगा वहाँ पे सेंट्रलाइज्ड होगा, वहाँ पे आपकी सारी प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, सारी जो राउटिंग टेबल्स हैं वो वहाँ का राउटिंग टेबल प्रोसेस कर रहे होगी सेंट्रलाइज्ड। तो ये बेसिक इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो कि राउटर से लिया गया है SD-WAN का कॉन्सेप्ट, और इसको बहुत बड़े लार्जर बेसिस पे एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी बना के आजकल इसको बहुत ज़्यादा किया गया है, जिसके अंदर बहुत सारे वेंडर्स हैं, जिसमें सिस्को है, जिसमें सैंगफोर है, जिसमें HP है, जिसमें IBM है, ये सब अपने अपने SD-WAN जो है इनके हैं, और वो अब SD-WAN की टेक्नोलॉजी को प्रमोट भी कर रहे हैं, और अपने बहुत सारे SLAs और उसके अंदर सिक्योरिटी पॉलिसीज और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें वो इसमें इन कर रहे हैं, बिल्ड इन कर रहे हैं, और इसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो आजकल की टाइमिंग में वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, फेमस है, और इस वक्त काम भी हो रहा है, और बहुत ज़्यादा फेमियर भी इस तरह से इस सेंस में है कि इसमें एंड लास्ट माइल पे कोई मतलब वो नहीं चाहिए होती, कोई बहुत बड़ी इंजीनियरिंग या यानी कि कोई बहुत ज़्यादा राउटिंग एक्सपर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती, वो सारी चीज़ें सेंट्रलाइज्ड ही हो रही होती हैं मैनेज, इसलिए ये बहुत ज़्यादा आजकल के टाइम में फेमस है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है।